बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने हमला किया था पाकिस्तान के एक आर्मी के कॉन्वॉय पर, जिसमें एक गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, एक गाड़ी पर हमला अटैक किया और वो गाड़ी में 8 पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। और भी कई जगह ये हमले करते रहे हैं। बलूचिस्तान में सिचुएशन अब ये है कि पाकिस्तानी आर्मी की पोस्टिंग होती है तो पाकिस्तानी आर्मी के लोग बोलते हैं यार कहीं और दे दो, बेहतर है, उस एरिया में काम करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी हालत हो चुकी है, बिल्कुल कई सारे लोगों को मरवा दिया गया। ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, पर बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं और इतने सारे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने वहां जाके स्टडी की। उस आदमी को हाई सिक्योरिटी जेल से छोड़ दिया गया। किसने छोड़ा? उन लोगों ने जिनको ना तो फौजी फाउंडेशन का पैसा मिल रहा था, ना उनको पाकिस्तानी आर्मी की उगाही का पैसा मिल रहा था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INN न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बलूचिस्तान की आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें उसने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान फौज की आर्मी पर हमला किया था और उसमें कई लोगों जो हैं वो घायल हुए और उसमें कई निपट गए। लेकिन इस खबर को जो पाकिस्तान की मीडिया है और पाकिस्तानी आर्मी है वो इस बात को छुपा रही है, क्योंकि उनको इस बात से शर्म आ रही है कि लगातार जो बलूचिस्तानी आर्मी है वो पाकिस्तानी आर्मी को निपटाते जा रही है, किसी को कैद कर रही है, किसी को रस्सी से लटका के उसके घर के सामने टांग दे रही है, जिसके वजह से अब पाकिस्तानी आर्मी है वो एकदम से शर्मिंदा हो चुकी है और उसकी कोई भी इज्जत नहीं बच चुकी है। दोस्तों, बलूचिस्तान में अब अपनी फ्रीडम के लिए जो लड़ाई है वो जारी हो चुका है और बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के बहुत ही ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है और इसमें पाकिस्तानी आर्मी भी असफल साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। ये सारी चीजों का जवाब ना पाकिस्तान दे रहा है ना पाकिस्तान की आर्मी देना चाहती। पाकिस्तान के लोग भी ये सवाल पूछने लगे कि भाई नहीं, कुछ और गड़बड़ है, ये हथियार कहीं और से आ रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी बार बार या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार इंडिया को ब्लेम कर देती है, क्या हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है वहां पे, हमें दिख नहीं रहा, हम बेवकूफ हैं क्या? इस समय 2004 में एक नए चीफ मिले जिन्होंने ये बोला कि हम पहले पाकिस्तान से ले लें, सिस्तान बलूचिस्तान हमारे एजेंडे पे रहेगा, यानी कि ईरान वाला एरिया वो हमारे एजेंडे पे रहेगा, लेकिन हम दो तरफ इकट्ठे नहीं लड़ सकते, हम पहले पाकिस्तान से निपटेंगे उसके बाद हम ईरान से निपटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, बलूचिस्तान में हमारे पर नहीं हो रही, हमारे भाई गायब हो रहे हैं, हमारी लेडीज के साथ रेप हो रहा है वहां पे और हमारे बच्चों को मार दिया जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने हमला किया था पाकिस्तान के एक आर्मी के कॉन्वॉय पर, जिसमें एक गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, एक गाड़ी पर हमला अटैक किया और वो गाड़ी में 8 पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए, या पाकिस्तानी आर्मी का। बलूचिस्तान 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और उस दिन तो जरूर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे हमले करते हैं। 11 अगस्त की सुबह सुबह या बोलिए 10 अगस्त की रात में भी एक हमला किया था कलात में, एक पुलिस स्टेशन पर, जिसमें SHO के ऊपर अटैक था और ये बोला गया था कि ये SHO बलूचिस्तान के लोगों को परेशान कर रहा था, बलूचिस्तान के लोगों पर फर्जी FIR काट रहा था। चलो तो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते, बीच में सिंध पड़ता है तो सिंध पे आपको डिटेक्शन होती होगी, या अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं जहां आपकी अपनी पिट्ठू सरकार जिसको आपने बैठाया उसको 1 साल हो गया, तो वो भी तो चेक, उसके भी चेक पोस्ट होंगे ना बॉर्डर पे, और आपकी अपनी फेंसिंग भी है। आप तो ये बोलते हो कि कश्मीर साइड पे फेंसिंग की हुई है तो हथियार कैसे जाते हैं, पर तो आपकी साइड पे तो फेंसिंग है, उधर से हथियार कैसे आते हैं? ईरान जिसके पास बलूचिस्तान का एक पार्ट है, सिस्तान बलूचिस्तान, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं पाकिस्तानी साइड पर बलूचिस्तान आजाद हो जाए, क्योंकि उसके अपने एरिया पे भी अब आ जाएगा। उसके बाद अफगानिस्तान में 1 साल से आपकी अपनी सरकार है, वो सरकार आपके इशारों पे चलती है, आपकी दोस्त है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो हमारे लोग हैं, आपके होम मिनिस्टर उस जमाने के उन्होंने बोला कि हमारे लोग हैं, हमारे इलाके में रहते हैं, हम इनका इलाज करा। भाई हम लोगों ने, ये पाकिस्तान का आर्मी कॉन्वॉय था जो बलूचिस्तान इलाके से जा रहा था, और क्योंकि हम इसके खिलाफ हैं कि ये हमारे कंट्री में, बलूचिस्तान को वो कंट्री बोलते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारे कंट्री पे इनकी ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं,
उन्होंने क्लेम किया कि हमारे कंट्री पर ये नाजायज तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हमने उन पर हमला किया। इस हमले में 8 लोग मारे गए, ऐसा क्लेम है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का। और ये बोला गया है कि ये मलेशबंद कोई इलाका है जहां पे अरवान डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये हमला हुआ था। प्लेन एरिया है, बहुत ज्यादा पहाड़ी वाला एरिया नहीं है। अगर कश्मीर टाइप एरिया हो जहां बहुत पहाड़ी है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पहुंचना मुश्किल है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी अटैक करना मुश्किल, वहां पर अगर कोई आर्मी क्ले कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो तो दूसरी बात है। इससे पहले 14 तारीख को, 14 अगस्त पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने क्लेम किया था कि उन्होंने 3 जगह पाकिस्तान में हमले किए, एक कलात में, एक बालकतर में और एक मच में, जहां पर एक ऑफिसर मारा गया। वो ये क्लैरिटी कई जगह से आई है, ये क्लैरिटी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने भी पाकिस्तान को बताई है। इसमें एविडेंस क्या है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को रिपोर्ट दी, वो मेरे हाथ में तो नहीं है। एविडेंस क्या है? एहसान उल एहसान कैसे भागा? एहसान उल एहसान ऐसे भागा कि एहसान उल एहसान को उन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने सपोर्ट किया। कौन था एहसान उल एहसान? एहसान उल एहसान वो था जिसने पेशावर मिलिट्री स्कूल में, आर्मी के स्कूल पे अटैक करवाया था, बच्चे मारे थे पाकिस्तानी आर्मी के, अपने बच्चे। इस हमले के साथ साथ 2 और हमले, वो भी हैवीली ग्रुप्ड हैवी आर्म्स के साथ इन्होंने हमले की बात कबूली थी। बलूचिस्तान ने ये भी बोला अभी कुछ दिन पहले, 29 जुलाई को इन्होंने ये भी बोला था, चाइना हमारा एरिया छोड़ दे, हमारे एरिया में चाइना की प्रेजेंस ठीक नहीं है, हम अपने कंट्री में किसी और कंट्री की प्रेजेंस पसंद नहीं करते। ठीक है, और समुद्र में तो ऐसा है नहीं कि पेड़ों के पीछे छुप के कोई आ जाए, सामने से आता दिखेगा, 100-200 किलोमीटर तो बड़े आराम से पेट्रोल हो जाते हैं आपके सामने। दूसरी चीज, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी है, तो आप अगर वहां पे आपकी कोस्ट गार्ड घूम रही है, चाइनीज नेवी घूम रही है, तो कोई भी नाउन नहीं आ सकती। सीधी सी बात, ग्रुप है वो क्लेम करता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमारी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ये भी ना, हालांकि 1960 से बनी हुई है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और इस फ्रंट के जो चीफ हैं वो उस जमाने में, तो उन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान और ये पाकिस्तानी साइड बलूचिस्तान दोनों की आजादी के लिए स्ट्रगल की थी। बलूचिस्तान में इंटरनेट लगभग ना के बराबर चलता है, बलूचिस्तान में आप जाए तो हर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में जाकर के आपको एक आर्मी की चेक पोस्ट मिलती है। अब ये चेक पोस्ट करती क्या है? जब इतने चेक्स हैं तो ये हथियार कहाँ से पहुंचते हैं? ये लोग बोलते हैं कि इंडिया की तरफ से पहुंचते हैं। बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं ये, चुन चुन के, इससे पहले इन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल को मारा था, क्योंकि वो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल था। और दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो बलूचिस्तान की आर्मी है उसने वीडियो जारी करके ये साफ साफ दिखा दिया है कि उसने जो पाकिस्तानी आर्मी है उस पे उसने हमला किया है और उनके कई लोगों को उसने निपटा दिया है। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है और जो पाकिस्तान की मीडिया है ऑफिशियल, वो जो है नहीं शो कर रही है इस न्यूज़ को, क्योंकि लगातार जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तानी आर्मी पे अपना कहर ढाए हुए है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी अब बलोचों की दहशत साफ साफ नज़र आ रही है। और दोस्तों, इसलिए नहीं शो किया जा रहा है इस वीडियो को और इस खबर को, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर इस वीडियो को जारी करते हैं तो जितने भी हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले मुल्क हैं और जितने भी TTP वगैरह, जैसे कि जितने भी संगठन हैं, वो उनकी सहायता करने लगेंगे बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वैसे भी बलूचिस्तान के साथ में अब भारत है, इसलिए बलूचिस्तान की जो ताकत है वो दुगनी हो चुकी है और वो बिना डर के बलूचिस्तान के अंदर में पाक आर्मी को घुसने नहीं दे रहा है और पाक आर्मी पे अपना कहर लगातार ढाता जा रहा है। उसने कई ऐसी पिछले दिनों में बलूचिस्तान के अंदर में उसने पाकिस्तान के बड़े बड़े मेजरों को उसने निपटा डाला है। अब बलूचिस्तान के अंदर में जो फ्रीडम की जो जंग है वो काफ़ी तेज़ी से आगे निकल चुकी है। वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी की बैंड बजा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।